हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेस्टास फंक्शन एंड लेजेंडरी कंडीशन देखे थे, ठीक है। वेस्टास फंक्शन क्या होता है और लेजेंडरी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो आज हम उनके पे बेस्ड जो सीएसआई नेट एंड गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सीएसआई नेट एंड गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेस्टास फंक्शन और लेजेंडरी फंक्शन, दोनों में से कोई सा भी लगा देंगे, वेस्टास लगा देंगे या लेजेंडरी, दोनों का यूज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है, एक्सट्रीमम निकालने के लिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फंक्शनल हमें देखा आई वाई एक्स इक्वल टू जीरो टू वन वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेयर वाई जीरो इक्वल टू माइनस वन वाई वन इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वन है, ठीक है। ये तो हमने इसका जो फंक्शनल था एक्सट्रीमल हमें निकाल के दे रखा है, ठीक है। एक्सट्रीमल इन्होंने निकाला है y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, इनका एक्सट्रीमल निकला है, ठीक है। और y जीरो इक्वल टू माइनस वन और y वन इक्वल टू वन, ये बाउंड्री कंडीशन देखिए, ये बताना है कि हमें सिर्फ ये बताना है ये कौन सा होगा, ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, या कोई सा भी सेंटर फील या प्रोपोर्शनल बन रहा होगा, ठीक है। ये उन्होंने एक्सट्रीमल दे रखा है, हमें सिर्फ क्या निकालना है ये कौन सा होगा, ठीक है, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं एफ इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेस्टास फंक्शन ले ले, ठीक है, वेस्टास फंक्शन ले ले, e इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी एफ वाई पी, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये क्या होता है, एफ ये पी है, ये सॉरी वाई डैश है, ठीक है, ये एफ के एफ एक्स वाई वाई डैश है और ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई पी क्या हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंदर इंटू हो जाएगा माइनस हो जाएगा पूरा माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा टू पी हो जाएगा, ठीक है, इंटू टू पी। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, अब हो गया वाई डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये एक साथ ले लिया और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस टू पी वाई डैश प्लस टू पी स्क्वायर, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसमें इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से इसको सीधा हमने ये लिखा, ठीक है, इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो जाएगा वाई डैश माइनस पी वाई डैश प्लस पी, और यहाँ पे टू पी रहा और वाई डैश माइनस पी रहा, अब यहाँ से वाई डैश माइनस पी कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो हमारे पास आएगा वाई डैश प्लस पी माइनस टू पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस पी हो जाएगा, तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर। देखो ये क्या आएगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, ई क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ठीक है। अगर वाई डैश इक्वल टू पी हो जाएगा तो एक बार जीरो आ जाएगा और हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आई तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा क्या आएगा देखो e इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y डैश, ठीक है, सभी y डैश के लिए e क्या आ रहा है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू जीरो, y डैश के कोई से भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, हमेशा ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास जो एक्सट्रीमा था y इक्वल टू टू एक्स माइनस वन इज अ स्ट्रॉन्ग मिनिमम, हमारे पास क्या मिला स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिला, ठीक है, फॉर ऑल क्या आ रहा है फॉर ऑल y डैश, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिला, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास वीक मिनिमम भी होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक भी होगा, ठीक है, वीक मिनिमम और स्ट्रॉन्ग मिनिमम क्या होंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी होगा, ठीक है, अगर सिर्फ वीक है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी होगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर टू देखो, द फंक्शनल जीरो टू वन वाई डैश स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई ई की पावर एक्स डी एक्स y0 इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री वाई वन इक्वल टू माइनस फोर ई बाई थ्री, ठीक है, अब बता रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा और y इक्वल टू माइनस थ्री बाई माइनस वन बाई थ्री ई की पावर x, या स्ट्रॉन्ग मिनिमा ऑन y इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर x, या वीक मैक्सिमा ऑन y इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री ई की पावर x, या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा ऑन y इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर x, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सट्रीमल निकालना पड़ेगा पहले, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे पास
एक्सटीमल ही आ रहा है, ठीक है, एक्सटीमल का तभी पता चलेगा। अब देखो वाई एफ है मतलब वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई ई की पावर एक्स, यूलर्स फंक्शन लगा दिया, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन, सॉरी यूलर्स इक्वेशन लगाई हमने, तो बस आया एट वाई प्लस एट ई की पावर एक्स माइनस डी बटे डी एक्स टू वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास आएगा वाई डबल डैश, यहाँ से देखो टू कॉमन निकालेंगे तो आएगा वाई प्लस ई की पावर एक्स फोर, ठीक है, फोर भी है, फोर वाई प्लस फोर ई की पावर एक्स माइनस वाई डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस वाला ये वाई वाला एक एक साइड को लेके चलेगा, हमें आएगा कि वाई डबल डैश माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर ई की पावर एक्स, ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो एम इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो सी एफ आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस टू एक्स, अब पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू जी, इसको सॉल्व करके आएगा जो ये हो जाएगा वन अपॉन ये क्या जाएगा डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस फोर वाई, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर ई की पावर एक्स हो जाएगा, ये फोर ई की पावर एक्स जो एफ एक्स है हमारे पास, और फोर यहाँ पर फोर कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे ई की पावर वन अपॉन एफ डी क्या हो जाता है, एफ डी ई की पावर ए एक्स क्या हो जाता है वन अपॉन एफ ए, जो ये कॉन्स्टेंट है वो आ जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है ये आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे डी स्क्वायर की जगह पर डी की जगह पर वैल्यू रखेंगे वन, ठीक है, ई के कांस्टेंट क्या हमारे पास वन है, तो वन माइनस फोर तो हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो पी आई हमारा आया माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर एक्स, तो हम पर वाई एक्स हो जाएगा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, सॉल्यूशन आएगा हम पर वाई एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस टू एक्स माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर, ये क्या होता है सी एफ प्लस पी आई होता है ना, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना, अब देखो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे वाई जीरो इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, तो वाई जीरो इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री रखा तो ये हो जाएगा इक्वल टू सी वन, यहाँ पे ई के एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो सी वन प्लस सी टू माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है, दोनों क्या है दोनों तरफ सेम है, तो ये क्या जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वैसे वाई वन इक्वल टू माइनस फोर ई बाई थ्री है, फोर ई बाई थ्री इक्वल टू यहाँ पर रखा एक्स पर वन रखना है तो सी वन ई का स्क्वायर प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री ई, ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास आएगा सी वन स्क्वायर प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे या तो ई का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर हमने ई का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों को माइनस कर दिया तो इसे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा सी टू इंटू ई का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये तो कभी जीरो वैल्यू देगा नहीं, ये नेवर इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारे पास क्या आएगा सी टू जीरो आएगा, ठीक है, अगर सी टू जीरो आया तो यहाँ पर रख दिया यहाँ पर सी वन इक्वल टू माइनस सी टू, तो सी टू जीरो आ गया तो सी वन भी जीरो हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास वाई एक्स एक्सटीमल क्या जाएगा माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर एक्स, अब देखो एक्सटीमल निकल गया दो ये वाले तो हट गए, ठीक है, ये वाले तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए क्योंकि y तो ये आला है नहीं, ये आ रहा है हमारे पास ये माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर x आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास अब ये चेक करने हमारे पास a और c ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सिर्फ b और d ऑप्शन चेक करने, ठीक है, क्या आएगा तो देखो हम सीधा या तो यूलर्स उसको लगा दो, हम यहाँ पर लेजेंडर्स कंडीशन लगा देते हैं, लेजेंडर्स कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा एफ वाई डैश क्या जाएगा हमारे पास, देखो थ्री टाइम डिफरेंशियबल है, ठीक है, टू वाई देखो एक बार क्या आएगा एफ एफ वाई डैश आएगा हमारे पास टू वाई डैश और एफ वाई डबल डैश आएगा हमारे पास टू और एफ वाई ट्रिपल डैश करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश होना चाहिए, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, तीन बार डिफरेंशियबल है मतलब इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तभी जीरो आ रहा है, ठीक है, तो थ्री टाइम डिफरेंशियबल है, ठीक है, बाकी तो सारे जीरो रहेंगे, ठीक है, अब देखो तो हम यहाँ पे ये वैल्यू आ गया हमारे पास ये एफ वाई डबल एस क्या हो गया इक्वल टू टू इज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वाई डैश की कोई सी भी वैल्यू रखो ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, फॉर ऑल वाई डैश इट इज इंप्लाइड दैट स्ट्रांग
मिनिमम, क्या रहा हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम, इट इज इंप्लाइड दैट वीक मिनिमम भी हो गए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी होगा, लेकिन यहाँ वीक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग मिनिमम आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग मिनिमम, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमम, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, फिर मैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल 0 टू a y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx दैट पासिस थ्रू 0 0 एंड a 0 हैज अ, ठीक है, हमें दे रखा है एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल निकाल, एक्सट्रीमल y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दे रखा है, f हमें ये दे रखा है, तो ये बताना है कि ये पासिस कहां से जा रहा है, 0 0 एंड a कॉमा 0, मतलब y एट 0 इक्वल टू 0 और y एट a इक्वल टू 0 है, मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन ये दे रखी है, तो ये बताना है वीक मिनिमम if a is less than pi, strong minimum if a is greater than less than pi, weak minimum if a is greater than pi or strong minimum if a is greater than pi, ठीक है, ये कब होगा strong और weak कब होगा, a की value क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो पहले f देर का मैं xy y dash equal to y dash square minus y square Euler's equation लगा देंगे, ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, extremal चाहिए, extremal field के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी हमारे स्ट्रॉन्ग क्या निकलेगा, एक्सट्रीमम निकलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक तो बाद में देखेंगे, पहले हमें ये तो देखना चाहिए कि एक्सट्रीमम हमारा फील्ड की, जो हमारा फील्ड निकलेगा, अगर फील्ड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो देखो माइनस हो जाएगा माइनस टू वाई माइनस टू वाई डबल एस इक्वल टू जीरो, वाई डबल एस प्लस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे पास क्या बनेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस आईटा, क्या बनने इमेजिनरी रूट बने, तो हमारे पास वाई एक्स हो जाएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ठीक है, तो हो जाएगा, अब हम इसमें लिमिट रख देंगे, वाई जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू सी वन हो गया, ठीक है, सी वन क्या हो गया जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये रहेगा सी टू साइन एक्स वहां सिर्फ, और वाई ए इक्वल टू जीरो रखा तो सी टू साइन ए हो गया, तो वाई इक्वल टू जीरो रखा तो सी टू साइन ए हो गया, अब देखो इफ ए इज नॉट इक्वल टू एन पाई, देखो साइन जीरो कब होता है, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई, ऐसी तरह मतलब एन पाई, जब हमारे पास एक्स क्या दे रखा है एन पाई है तभी है जीरो होगी, ठीक है, अगर हमारे पास जो ए है जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है अगर नॉट इक्वल टू एन पाई है देन साइन ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन ए कभी भी जीरो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा ये जीरो दे रखा है मतलब साइन ए एन पाई पे जीरो होगा सिर्फ, अगर एन पाई ही नहीं है ए तो हमारे पास क्या होगा साइन ए जीरो नहीं होगा, तो हमारे पास सी टू जीरो होगा, तो हमारे पास आएगा सी टू इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास वाई एक्स क्या आएगा जीरो, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा वाई एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन मान ले ली हमने, ठीक है, नाउ इफ अब देखो इफ ए इज लेस देन पाई, ठीक है, ए लेस देन पाई है तो वाई एक्स इक्वल टू सी टू साइन एक्स हो गया, विच इज इंक्लूड इन सेंट्रल फील्ड, ठीक है, सी टू साइन एक्स क्या हो गया सेंट्रल फील्ड के अंदर आएगा, देखो यहां पे से हम इसमें हमने पहले भी देख चुके हैं इसके लिए ग्राफ, ये देखो यहां से जीरो टू ये हो गया पाई, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे फैमिली ऑफ ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फैमिली ऑफ ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास a इज लेस देन पाई है, यहाँ पर हमारा a है, ठीक है, a इज लेस देन पाई है, देखो यहाँ से सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है, जीरो हमारे पास पेंसिल ऑफ ये मिल रहा है, पेंसिल ऑफ सेंटर ऑफ पेंसिल मिल रहा है एट जीरो जीरो पे, ठीक है, और यहाँ से ए तक जा रहा है, बाकी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पास क्या मिलेगा सेंट्रल फील्ड मिलेगा, ठीक है, बाकी जगह ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रल फील्ड मिलेगा विद सेंटर ऑफ पेंसिल एट जीरो जीरो, ठीक है, तो इंक्लूड इन सेंट्रल फील्ड, तो हमारे पास क्या है सी टू साइन एक्स, साइन एक्स क्या है ये तो ये साइन एक्स हो गया, माना ये साइन एक्स है सी टू साइन एक्स, ये पूरा ग्राफ है, और वाई इक्वल टू जीरो क्या ये है, देखो हमारे पास क्या एक्सट्रीमा निकला वाई इक्वल टू जीरो क्या आ गया इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये y इक्वल टू जीरो क्या आ गया, y इक्वल टू जीरो लाइन कौन सी होती है ये वाली होती है y इक्वल टू जीरो, और ये x होती है x इक्वल टू जीरो, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है इसके अंदर है कि नहीं है, जो पॉइंट दे रखा मैं x जीरो टू a इसके अंदर है y इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसी के अंदर है, तो हमारे पास सभी चीज इंक्लूडिंग सेंटर फील्ड विद सेंटर ऑफ पेंसिल एट जीरो जीरो, ठीक है, तो f हमारे पास ये हमारे पास क्या मिल गया ये तो एक्सट्रीमल इस सेंटर फील्ड के अंदर है, तो अब हम इसके लिए देखेंगे
इसके लिए देखेंगे कौन सा एक्सट्रीमम आ रहा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग वीक कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल फील्ड था, हमारे पास अभी सेंट्रल मतलब फील्ड मिल गया, एक्सट्रीमल फील्ड मिल गया हमें। आप देखेंगे हम स्ट्रॉन्ग मिनिमा देख लेते हैं। इसके लिए तो हमने एफ लिया वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ हमें लेजेंडर कंडीशन लगी, लेजेंडर कंडीशन लगाई हमने, एफ वाई डबल डैश हो जाएगा टू, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल वाई डैश, सभी वाई डैश के लिए ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारे पास क्या मिला, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग मिनिमा एंड ऑल्सो वीक मिनिमा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा मिला तो वीक भी होगा, ठीक है, वीक मिनिमा अटेंड ऑन वन, मतलब वन में लाइव करते, ठीक है, जो हमारे पास एक्सट्रीम मिल रखा है इस पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा वीक मिनिमा मिलेगा, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम है स्ट्रॉन्ग मिनिमा वीक मिनिमा हमें इसमें मिलेगा फॉर ए इज लेस देन पाई, जो हमारे पास ए क्या है लेस देन पाई है, तो हमें स्ट्रॉन्ग मिनिमा वीक मिनिमा मिल रहा है गिवन एक्सट्रीमल में, ठीक हो गया। अब देखो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक तो यहाँ पे मिल रहा है, हमारे पास ये कंडीशन तो ट्रू होगी, ठीक है, तो ये दोनों मिल रहे हैं तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब हम a इज ग्रेटर देन पाई के लिए देखें, अगर a ग्रेटर देन पाई है देन y x इक्वल टू c टू sin x डज नॉट फॉर्म एनी एक्सट्रीमल फील्ड, ठीक है, ये हमने पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन पाई हो गया, यहाँ से देखो ये क्या मिल गया सेंट्रल फील्ड, यहाँ से देखो अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है लेकिन ये कर रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जा रहा है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर ए मान लिया हमने, तो यहाँ पर क्या कर जा रहा है पाई पर ही क्या कर जा रहा है इंटरसेक्ट कर जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर फील्ड की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, एक सेंटर ऑफ पेंसिल मिलेगा और बाकी जगह ये जो कर्व है फैमिली ऑफ कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर फील्ड में कि हमारे पास जो भी डोमेन है हमारे डोमेन से जो भी कर्व जाएगा वो डोमेन के सिर्फ एक ही पॉइंट से जाएगा, ठीक है, जो कर्व जाएगा डोमेन के सिर्फ एक ही पॉइंट से जाएगा तो हमें प्रॉपर फील्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो पाइप है, ये क्या जा रहे हैं सारे कर्व पाई से होकर जा रहे हैं, ठीक है, तो इंटरसेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है ये ना ही प्रॉपर फील्ड होगा ना ही सेंट्रल फील्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास डज नॉट फॉर्म एनी एक्सट्रीमल फील्ड, तो कोई भी एक्सट्रीमल फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वन नाइदर अटेंड मैक्सिमा और मिनिमा, जो हमारे पास वन है वाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जब ए ग्रेटर देन पाई है नाइदर अटेंड मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे ना ही मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम तो मिल नहीं रहा, ना ही मिलेगा ना स्ट्रॉन्ग मिलेगा ना वीक मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमा ही नहीं मिल रहा, स्ट्रॉन्ग और वीक तो बाद में की कंडीशन है, ठीक है, समझ में आया। इसमें सिर्फ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएंगे देखो, पहला है If in question we have given that, अगर हम किसी क्वेश्चन में हमें ये गिवन है I, जो हमारा I की वैल्यू I दिया रहता है, ठीक है, ये I है, I attains its infimum or supremum, ठीक है, मतलब I के पास क्या है attains its infimum or supremum, then we have to check, मतलब अगर ये ऑप्शन में आ गया कि ये infimum और supremum को attain कर रहे नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे strong minima वीक मिनिमा अटेंड कर रहा है जो हमारे पास एक्सट्रीमल है, ठीक है, वैसे वाई अटेंडेंस इज इन्फिमम और सुप्रीमम, इन्फिमम और सुप्रीमम, तो वी हैव टू चेक दैट आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो हम आई की वैल्यू क्या होती है एफ एक्स वाई वाई डैश होती है, हमने एक्सट्रीमल निकाला वाई डैश की वैल्यू आई में रखी इंटीग्रेशन करा, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए इन्फिमम के लिए हमें आनी चाहिए लोअर लिमिट और सुप्रीमम के लिए अपर लिमिट, ठीक है। अगर अटेंड कर रहा है तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन करा आई का इंटीग्रेशन करा, अगर माना हमारे पास ए टू बी दे रखा है तो इन्फिमम, अगर बोला आई अटेंड इट्स इन्फिमम मतलब हमारे पास आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए ए आनी चाहिए, ठीक है, और आई अटेंड इट्स सुप्रीमम, अगर यहाँ पर सुप्रीमम आ गया तो हमारे पास क्या होगा ये यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाद बी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्फिमम के लिए लोअर लिमिट और सुप्रीमम के लिए अपर लिमिट, ठीक है, तो ये चेक करना है कि नहीं है और नॉट, वी हैव टू गेट वी गेट लोअर लिमिट और अपर लिमिट और नॉट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है इन्फिमम के लिए लोअर लिमिट और सुप्रीमम के लिए अपर लिमिट, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अटेंड्स, यहाँ पर जब आई अटेंड्स इज इन्फिमम सुप्रीमम आएगा, ठीक है, तो ये देखना है, ठीक है। अब देखो और यहाँ पर देखो अब है, अगर एक क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया इफ इन क्वेश्चन
क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इन्फिमम और सुप्रीमम, ये हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू से पहले आई से पहले इन्फिमम आया यहाँ पर या और सुप्रीमम कुछ भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ क्या निकालेंगे, इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अपर आए, लोअर आए, कुछ भी आए, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी आए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए टू बी एफ एक्स बाई वाई डैश, तो हमारे पास ये देखा आई इन्फिमम और सुप्रीमम इसके आगे आए, ठीक है। अटेंड, अटेंड नहीं लिखा है, ठीक है। अटेंड का मतलब क्या है, ये इसमें इन्फिमम का मतलब हमारे पास लोअर लिमिट ही आनी चाहिए, सुप्रीमम का मतलब अपर लिमिट ही आनी चाहिए, ठीक है। अटेंड ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिमम और सुप्रीमम का मतलब क्या है, एक्सट्रीमम निकालना है, आई का एक्सट्रीमम, ठीक है। एक्सट्रीमम तो वाई डैश होता है, और एक्सट्रीमम किसको बोलते हैं, जो आई की वैल्यू निकालते हैं, जब वाई डैश रखे, जो हमने इसमें वाई डैश की वैल्यू रखी, एक्सट्रीमम निकाला, आई की वैल्यू निकाली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम, ठीक है। इन्फिमम और सुप्रीमम उसके आगे होता है, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड ओनली गिवन इंटीग्रल वैल्यू, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अटेंड करा है तो हमारे पास ऐसी आनी चाहिए, लोअर लिमिट इन्फिमम के लिए, सुप्रीम के लिए अपर लिमिट आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये इन्फिमम अटेंड कर रहा है, इन्फिमम या सुप्रीमम अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस पर इन दोनों के ऊपर पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो उन पर बेस्ड, पहला है लेट एक्स इक्वल टू यू बिलोंग्स टू सी वन जीरो टू वन, ठीक है। यू जीरो इक्वल टू यू वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमें क्या देखा है, एक्स फंक्शन दे रखा है, एक्स एक सेट दे रखा है, यू बिलोंग्स टू ये वन दे रखा है सी वन, ठीक है, सी वन जीरो वन, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है यू जीरो इक्वल टू जीरो, यू वन इक्वल टू वन, हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। एंड डिफाइन एक फंक्शन हमें जे डिफाइन करा है, जे क्या है, एक्स से रियल नंबर आर पर है, ठीक है, एक्स से आर पर है, ठीक है। तो वाई वाई जे यू इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू वन ई की पावर माइनस यू डैश यू डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हमें फंक्शन है जे एक्स से आर रियल नंबर है, ठीक है। वाई जे यू कहा है, जे यू जीरो टू वन ई माइनस ई की पावर माइनस वाई यू डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दे रखे है, जे डज नॉट अटेंड इट्स इन्फिमम, जे अटेंड्स इज इन्फिमम एट यूनिक पॉइंट, ये इन्फिमम है, ठीक है। जे अटेंड्स इज इन्फिमम एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स, जे अटेंड्स इज इन्फिमम एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो हम देखो हम सॉल्व करेंगे, एफ निकाल दिया हमने, पहले हमें यू डैश की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो हम जे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स वाई यहाँ पे यू हो जाएगा, वाई की जगह पे यू हो दे रखा है, तो यू डैश हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम इसको पूरा भी लिख सकते हो या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता ना हो कि हमारे पास अगर u और हमारे पास सिर्फ ये किसका फंक्शन है, x एंड u से फ्री है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, चाहे e की पावर भी लेंगे, e की पावर माइनस भी लेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगी, ये सॉल्व करके स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है। अगर तुम इसको यूलर फंक्शन से लगाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, निकालना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम यूलर फंक्शन लेके सिर्फ इतना फंक्शन ले रहे हैं, यू डैश एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतनी ये वाला फंक्शन ले रहे हैं, ये हो जाएगा u डैश x स्क्वायर लिया, तो हमारे पास यू एक्स आएगा सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स, सी टू सॉ सी वन एक्स प्लस सी टू, ये क्या आएगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है। आप कंडीशन रख देते हैं, बाउंड्री कंडीशन u जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास सी टू जीरो आ गया, यू वन इक्वल टू जीरो इक्वल टू सी वन, तो हमारे पास यू एक्स आ गया जीरो आ गया, तो हम नाउ हमने इसकी वैल्यू किस में रख दी, जे में रख दी, ठीक है। जे क्या हो जाएगा, जीरो टू वन ई की पावर यू एक्स, अगर हम और यू डैश करें ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा, e की पावर जीरो डी एक्स, तो जीरो e की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आएगा सिर्फ x की लिमिट जीरो टू वन, तो हम इसको लिमिट रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा, ठीक है, वन आएगा, j इक्वल टू वन आ गया, जो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है, इन्फिमम नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो आता तो ये वैल्यू क्या है, j इक्वल टू जीरो क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, इन्फिमम वैल्यू है, ठीक है, ये अटेन नहीं करा, ठीक है। J does not attain its infimum, ठीक है, हमारे पास ये supremum, यहाँ पर अगर यहाँ पर होता J attains its supremum, ठीक है, J के हमारे पास J की वैल्यू क्या आ रही है, supremum attain कर रहा है, ठीक है, J हमारा supremum attain कर रहा है, infimum attain नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये A option हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, supremum, infimum हमारे पास अटेंड नहीं कर रहा, तो
पॉइंट्स तो दूर की बात है, ठीक है, तो हमारे पास ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सुप्रीमम होता तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता सुप्रीमम अटेंड कर रहा करके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू, अब यहाँ पे था इन्फिमम ऑफ 0 to 1 y dash t का स्क्वायर dt ऑन द क्लास ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये हमें पर क्लास ऑफ फंक्शन देखा है, सेट देखा है, u belongs to c1 0 to 1 such that u 0 equal to 0 and maximum of 0 to 1 mod u equal to 1, ठीक है। तो हमें पर देखो ये मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, जीरो, अगर क्लोज इंटरवल देखा है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी इसमें से, इसकी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू 1 पर ही आएगी, ठीक है। यू की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मतलब हमें यू 1 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0 टू 1 मॉड यू, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है। मतलब कहने का मतलब क्या, हमारे पास ये यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू 1 पर 1 है, ठीक है, यू की वैल्यू 1 पर 1 दे रखी हमें, ठीक है। इस इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, जब हम इसका इन्फिमम ऑफ, यहाँ पे इन्फिमम ऑफ आई निकालना है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीमम निकालना है, एक्सट्रीमम ऑफ आई, ठीक है। ये हमने आई ले लिया, तो देखो यहाँ पे अटेंड कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, अटेंड कुछ नहीं दे रखा, हमने क्या बोल रखा है, इन्फिमम बोल रखा है, इन्फिमम ऑफ आई, तो आई एफ इक्वल टू यू डैश स्क्वायर। तो हम बस देखो ये फ्री फॉर्म किससे है, एक्स और टी, यहाँ पर टी फंक्शन देखा है तो टी और यू से फ्री है, तो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, यू एक्स इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू हो गया, ठीक है। तो यू जीरो इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, यू जीरो इक्वल टू जीरो तो सी टू जीरो आ गया, और यू वन इक्वल टू वन, तो मैक्सिमम ऑफ 0 to 1 क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यू वन एट वन टी इक्वल टू वन, यू वन क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, तो यू एट टी इक्वल टू वन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो सी वन हमारा 1 हो गया। तो यू एक्स क्या है हमारे पास, यू एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, हमारे पास यू एक्स क्या है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक्स आ गया और यू डैश करा तो 1 आ गया, ठीक है। तो आई में रख दिया आई इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे यू डैश क्या रख दिया, 1 का स्क्वायर डी टी, और उसको सॉल्व करा टी 0 to 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। सर मैं आया अटेंड इन्फिमम और इन्फिमम वैल्यू निकालने में, ठीक है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर PDF चाहिए आपको किसी भी की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एंड कहीं पर क्वेरीज हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, थैंक यू।